बच्चों, आज हम लोग फूल के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। तुम्हारे सामने मैंने एक गुड़हल का फूल लिया है। फूल तो कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, उनकी आकृति और बनावट भी अलग अलग होती है, लेकिन अध्ययन के लिए हमें गुड़हल का फूल सबसे अच्छा और समझने के लिए आसान होता है, इसलिए मैंने यह गुड़हल का फूल तुम्हारे सामने लाया है। अब गुड़हल के फूल के विभिन्न अंगों की बात करें तो हम देखते हैं कि गुड़हल के फूल में ये जो हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से को हम कहते हैं डंठल। उसके ऊपर, डंठल के ऊपर की जो हिस्सा है, हरा वाला हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है, उस हिस्से को हम लोग नीदल पुंज कहते हैं, नीदल पुंज। और ये नीदल पुंज, अगर हम इस फूल की कली को लें और देखें तो ये देखो, ये तुम्हारे सामने ये फूल की कली मैं दिखा रहा हूँ। इस फूल की कली में ये जो हरे रंग के हैं, इसको हम कहते हैं नीदल पुंज। नीदल पुंज फूलों की पंखुड़ियों की रक्षा के लिए होता है। जैसे जैसे फूल निकलते जाता है, नीदल पुंज छोटा होकर के नीचे की तरफ आ जाता है। ये हमारी कली है और इसका फूल हम देख रहे हैं, तो ये नीदल पुंज देखिए, ये अपने पंखुड़ियों को एक अच्छे से रूप में बांध के रखता है, उनको गिरने नहीं देता। ये नीदल पुंज है, ये नीदल पुंज है हरा रंग का जो हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो भाग है, ये दल पुंज कहलाता है। ये भाग 1, 2, 3, 4, 5 पंखुड़ियां हैं जिनको हम दल पुंज कहते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो भाग दिखाई पड़ रहा है, जो भाग मैंने पकड़ा हुआ है रस्सी की तरह, जो भाग दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने पकड़ा हुआ है, उसको कहते हैं पूतंतु। उसे कहते हैं पूतंतु। और पूतंतु के ऊपर का भाग जो दिखाई पड़ रहा है, ये पीले पीले रंग, बॉल सरीका, पतले, ये जो है, ये भाग होता है पराग कोश। ये जो पतले छोटे छोटे बॉल दिखाई पड़ रहे हैं, गदे सरीखा, उसको हम कहते हैं पराग कोश। पराग कोश के ऊपर यहाँ पे जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं वर्तिका। पराग कोश के ऊपर यहाँ पे एक जो भाग रहता है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिका। और अगर हम इस फूल के सभी पंखुड़ियों को निकाल दें, हम चलो निकाल कर देखते हैं, पंखुड़ियों को हम निकालेंगे एक एक करके। ये हम इसके पहले नीदल पुंज को निकालते हैं, हरे भाग जो नीदल पुंज जिसे कहते हैं उसको निकालते हैं। उसको निकाल कर हम देखेंगे कि पंखुड़ियों को निकालना शुरू करें। ये देखिए, मैं पंखुड़ियों को निकाल रहा हूँ इस तरह से। पंखुड़ियों को मैंने निकाला, 3, 4, 5 पंखुड़ियाँ हैं। इन 5 पंखुड़ियों को ध्यान से निकालने के बाद हमको यहाँ पर देखिए एक मोटा सा फूला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है। इस मोटे फूले हुए भाग में बीजांड कोश होता है। ये फूल के बीजाणु यहाँ पर इस मोटे फूले हुए भाग के अंदर रहते हैं। अगर हम इसको काट के देखें तो हमको दिखाई पड़ेगा इसके अंदर जो बीज हैं वो पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि गुड़हल के फूल के ऊपरी भागों को या किसी भी फूल के भाग जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो भाग पकड़ा हुआ है, ये भाग ये पूतंतु कहलाता है।
और ये जो मैंने कहा था छोटे छोटे पीले पीले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं बॉल सरीखा, ये जो है पराग कोष होता है। और पराग कोष और पुतंतु, ये जो दोनों भाग हैं, ये फूल के पुलिंग भाग होते हैं। और बाकी ये जो हमने पढ़ा कि बीजांड कोष, वर्तिकाग्र, ये जो हैं फूल के स्त्रीलिंग भाग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने फूलों की रचना थोड़े में समझ ली है।